भाजपा नेता गुलाब तिवारी ने प्रधानमंत्री से जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक अध्यादेश लाए जाने की मांग की है। गुलाब के मुताबिक जनसंख्या नियंत्रण आत्मनिर्भर भारत और स्वावलंबी भारत के लिए बेहद जरूरी है। गुलाब ने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि आज कम्युनिस्ट चीन इसलिए शक्तिशाली और सुपर पावर बना क्योंकि उसने जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पा लिया। गुलाब ने कहा कि चीन ने पहले हम दो हमारे दो नीति को अपनाया और फिर हम दो हमारे एक नियम को कड़ाई से लागू किया और लगभग 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया। इसलिए वह आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि विश्व महाशक्ति भी बन गया। जबकि भारत आज भी गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण और प्रदूषण से लड़ रहा है। एक कठोर और प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किए बिना भारत को आत्मनिर्भर और विश्व गुरु बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। गुलाब ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते संसद का चलना मुश्किल दिख रहा है, लिहाजा जल्द से जल्द एक अध्यादेश लाकर जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाया जाए। अनुराग ने प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्होंने कहा 50% समस्याओं के मूल कारण जनसंख्या विस्फोट की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसका जिक्र अपने स्वयं लाल किले की प्राचीर से पिछले वर्ष 15 अगस्त को किया था। एक कठोर और प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को नोटिस जारी किया था और 13 जुलाई को सुनवाई थी। गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा है ने कहा कि पिछले 20 वर्ष से घर, परिवार, समाज और देश की समस्याओं के मूल कारणों को समझने का प्रयास कर रहा हूं और निष्कर्ष यह है कि हमारी 80% से अधिक समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार और जनसंख्या विस्फोट है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल स्वीकार करते हैं कि जनसंख्या विस्फोट भारत के लिए बम विस्फोट से भी अधिक खतरनाक है। जब तक 2 करोड़ बेघरों को घर दिया जाएगा तब तक 10 करोड़ बेघर और पैदा हो जाएंगे। इसलिए जनसंख्या विस्फोट रोकना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक कठोर और प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किए बिना स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, साक्षर भारत, संपन्न भारत, समृद्ध भारत, सबल भारत, सशक्त भारत, सुरक्षित भारत, समावेशी भारत, स्वावलंबी भारत, स्वाभिमानी भारत, संवेदनशील भारत तथा भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त भारत का निर्माण मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।